हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है अंकित कुमार राणा और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेवी SSR से कुछ रिलेटेड टॉपिक, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी या पिछली बार किसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, या ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के क्या फ़ायदे हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों से हम बात करेंगे। क्या आपका एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पे आती थी पहले और क्या अभी आ रही है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेट वाइज कट ऑफ जो रहती है बहुत हाई रहती है, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है अगर ये काम कर दिया अगर SSR वालों ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले जो एग्ज़ाम होती थी वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी वो AA हो या SSR हो, ठीक है, SSR हो या AA, पहले जो एग्ज़ाम होती थी SSR हो या AA हो, ऑफलाइन ही होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो SSR की जो ऑफलाइन ही हो रही थी, लेकिन अब आगे आगे जो 14 दिसंबर को पता चल जाएगा क्या 100% SSR का ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, ठीक है। हम AA की बात करते हैं, AA की। पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी वहाँ पर कट ऑफ क्या रहती थी, बहुत सारे स्टूडेंट इससे वंचित रहते थे। फॉर्म भरते थे पर एडमिट कार्ड ही नहीं आता था, तो इससे नाखुश रहते थे। पहले जो होती थी वो 85% प्लस रहती थी या 84-85 रहती, ठीक है, इतना रहती थी। और ये कट ऑफ जो इतना रहता था बहुत ही हाई थी। 10th + 2 में अगर आप इतना परसेंट लाते हैं तो बहुत मायने रखता है, ठीक है, और इतना बहुत हाई रहती थी उस समय। अब क्या हो गया, अब इसी को हम 60% कर दिया, ठीक है, अब इसी को 60% कर दिया। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है, AA की एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन होती है। दिक्कत कहाँ, SSR में दिक्कत है, ठीक है, SSR में दिक्कत है। यही चीज़ जो क्या था एयरफोर्स एक्स और वाई में, ठीक है, एयरफोर्स एक्स और वाई में यही चीज़ क्या था कि पहले जो आती थी वो 75+ रहती थी, 75+ 76-77-80 रहती थी, ठीक है। और ये भी बहुत मायने रखता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना 12th में वो इतना परसेंटेज नहीं ला पाते हैं 80+, ठीक है, और इससे नाखुश रहते थे। लेकिन अब एयरफोर्स XY ने भी थोड़ा सा चलाके करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर नाखुश हैं तो हम भी थोड़ा सा चलाके करते हैं, तो उसने क्या किया ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर कर दिया, ठीक है, और इससे 4 से 5 लाख स्टूडेंट अपने फॉर्म फिलअप करते हैं एयरफोर्स में, ठीक है, और एयरफोर्स में फॉर्म फिलअप करते हैं 4 से 5 लाख वो लोग एग्ज़ाम देते हैं। बट अगर उनके पास टैलेंट होता है तो वो एग्ज़ाम पास करते हैं और उनका इंटरव्यू होता है और वो जॉब पर भी जाते हैं। उनका फ़ायदा क्या हुआ, अब जो वो एग्ज़ाम लेती वो 60% पर भी एडमिट कार्ड आ जाता है, वो भी बिहार के लिए बता देता हूँ, एयरफोर्स में 60% पर भी एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और उसमें जिनका जिनका वो बोलता है कि जिनका जिनका 60% है वो एडमिट कार्ड पा लो, ठीक है, अपना लिंक अपना थी क्या कहते हैं उसको ईमेल ID खोलो और अपना एडमिट कार्ड ले लो। एडमिट कार्ड रिलीज होते ही उनको एडमिट कार्ड मिल जाता है वो 60% वालों का। अब देखिए SSR में अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, लेकिन इतना क्योंकि बहुत सारे चैनल वालों ने भी वोटिंग करवाई है, ठीक है, वोट करवाई तो बहुत सारे स्टूडेंट थाउजेंड स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यस इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई। वो किस आधार पे बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पिछली बार जब एग्ज़ाम देने गए थे हम तो सेंटर पर जो था वो बोल रहे थे कि अगले बार से एग्ज़ाम जो होगी आपका वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वहाँ जो सेंटर 15 से 16 सेंटर शायद उनका प्रोवाइड कराया जाता है ऑफलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है, वो SSR की तरफ से कुछ गिने चुने होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगले बार से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए। वही स्टूडेंट के आधार पर वो लोग बोल रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। तो इस बार भी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाती है इस बार तो बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, 60% पे तो पहले एडमिट कार्ड आएगा और उनके पास अगर टैलेंट होगा तो वो जॉब भी पा लेंगे, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, मैं भी वोट करवाऊँगा, ठीक है, वोट करवाऊँगा तो आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा वोटिंग, वहाँ पर यस नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मेरा यही मकसद था, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और लाइक तो जरूर करना, और इस चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना। और फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।